पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उपस्थित सभी मेरे सभी नवनिर्वाचित सभासदगण, सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को नगर निगम के सभासद और मेयर के रूप में काम करने के लिए जनता ने जो आपको आशीर्वाद और स्नेह दिया है, मैं एक बार आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग मिलकर मुरादाबाद के विकास के लिए, मुरादाबाद शहर की अपेक्षाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए, जिसे अभी भी समाज की मुख्य धारा में हमें लाना, उस संकल्प के साथ हम सब लोगों को आप लोगों ने चुना। मैं एक बार जो देश में संघीय ढांचा है, तो संघीय ढांचे में केंद्र की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं और नगरों की सरकार है, गांव की सरकार। हम सब लोगों को, आप सब लोगों को नगरों की सरकार चलाने के लिए, मुरादाबाद की सरकार चलाने के लिए मुरादाबाद महानगर की जनता ने आशीर्वाद और स्नेह दिया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय मंत्री जी ने भी आपके सामने रखा है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की सरकार की हो, चाहे राज्य की सरकार की, हम सब लोग मिलकर शहर की आवश्यकता के लिए उन योजनाओं में जो जो काम हो सकते होंगे, विकास के जो जो काम हो सकते हैं, उन सब कामों को आपके सहयोग के लिए उन सब योजनाओं को केंद्र से और प्रदेश से लेकर आए और मुरादाबाद का विकास हमारी आपकी सबकी आवश्यकता भी है और अपेक्षा भी। और मुझे विश्वास है कि मुरादाबाद नगर निगम के महापौर आदरणीय विनोद अग्रवाल जी और आप सब माननीय सभासदगण सब मिलकर उसको पूरा करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं एक बार पुनः आप सबको इस नगरों की सरकार का, मुरादाबाद नगर निगम में मुरादाबाद नगर की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए, जो जो काम हम लोगों को जनता ने दिए, जो जनता की अपेक्षा है, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी हमारी सबकी ताकत जनता ही होती है और बहुत लोग ऐसे हैं जो चुनकर आए, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो किन्हीं कारणों से चुनकर नहीं आ पाए। हमें सबको मिलकर बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चलना, भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ ज्यादा मत प्राप्त करने वाला जीतता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग, बड़ी संख्या ऐसी है जो अन्य अन्य ग्रुपों में अलग अलग चुनाव लड़ने वाले भाइयों बहनों में बढ़ती, लेकिन हम सब लोग मिलकर, विनोद जी पूरे शहर के मेयर हैं, आप सभी लोग पूरे शहर के सभासद हैं, तो आप सबकी ओर पूरे मुरादाबाद के विकास की जिम्मेवारी है। हम सब लोग मिलकर बगैर किसी भेदभाव के देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलेंगे। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें किसी को छोड़ने की अनुमति नहीं है। जिसको जो आवश्यकता है, जो पात्रता सूची में है, जिसकी आवश्यकता अपेक्षा है, हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। भाइयों बहनों, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार, आपकी सबकी अपेक्षा मंच पर बैठे जो भी हमारी पार्टी के सरकार के वरिष्ठ लोग हैं, हम सब मिलकर मुरादाबाद के विकास में पूरी तत्परता के साथ आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। एक बार मैं पुनः महापौर जी को और सभी माननीय सभासदों को उनके निर्वाचन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।